आज मेरे पास है डिकैथलॉन की मोस्ट अफोर्डेबल टूरिंग बाइक रिवरसाइड 500। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस है इसकी अराउंड 30,000 रुपीज़, बट सेलिंग प्राइस है 27,000। एंड जो भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट या एंड्योरेंस साइक्लिस्ट है उसके लिए 50 से 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा इजीली कर सकता है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसलिए हम इसके आज डिटेल में स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं। सो आज अगेन मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं कृष्णा। आपने इनको पिछली बहुत सी वीडियोज़ में देखा होगा जिनने मतलब ST30 और डिकैथलॉन की वीडियोज़ देखी है, तो इन्हें नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता। सो आज मैं पहले ओवरव्यू में पहले जैसा मैं मतलब बताता हूँ सारे स्पेसिफिकेशंस ओवरव्यू बता दूंगा, फिर जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है ये आपके साथ शेयर करेंगे और ये साइकिल क्यों लेना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिसेंटली लॉन्च कलर है जो कि रिवरसाइड 500 में नया है, ब्लू कलर, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो मैंने ST120 की वीडियो कवर करी थी आज से लेके 2-3 महीने पहले, वही पूरा गियर सिस्टम मिलने वाला है 1/9 का। सो स्टार्ट करते हैं व्हील से। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है काफ़ी कम है, तो साइकिल स्पीड अच्छे से गेन कर लेगी, फ्रिक्शन बहुत ही कम रहेगा एंड ईजिली आपको मतलब चलाने में बहुत ईजी रहने वाली, 50 से 100 किलोमीटर से प्लस जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया आप ईजिली कर सकते हो। देन अगर फ्रेम की बात करें तो अगेन इसकी टॉप ट्यूब कुछ इस टाइप से बैंड है, मैन एज वेल एज वुमेन दोनों चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें आपको 3 ही साइजेस मिलेगी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब टॉप साइज यही है लार्ज। ये आपको 28 इंचेस के मिलेंगे या 700 cc, जो भी अधिकतर हाइब्रिड साइकिल है उसमें आपको 28 इंचेस के ही देखने को मिलते हैं। देन टेक्ट्रो के डिस्क ब्रेक है जो कि आपको इफेक्टिव ब्रेकिंग में काम आने वाला है। थंब शिफ्टर्स मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया 1-9 इसमें गियर सिस्टम है, तो राइट साइड ही आपको सिर्फ इसके गियर शिफ्टर्स मिलने वाले। तो टेक्ट्रो के डिस्क ब्रेक एंड फ्रंट एज वेल एज रियर दोनों आपको व्हील रिमूवेबल मिल जाते हैं। इसमें फ्रंट व्हील भी इजीली आप रिमूव करके कहीं भी साइकिल को कैरी कर सकते हो। ड्यूल डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, यहाँ पर देख सकते हो आपको बॉटल होल्डर एज एन एसेसरी का पार्ट है, अलग से परचेज करना पड़ेगा, अराउंड 300 रुपीज़ की इसकी प्राइस है। देन रियर में आए तो का जो मडगार्ड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये मेटल का लग रहा होगा बट ये पूरा फाइबर है, मतलब जो कि साइकिल वो लाइट वेट ही रखता है। एंड बेसिकली क्या है, आप जितनी भी रॉक राइडर या बाकी साइकिल्स देखेंगे उसमें आपको अलग शेप के मिलते हैं, बट इसमें काफ़ी बढ़िया लुक साइकिल के साथ लग रहा है। मेनली सीट की बात करें तो इसमें आपको अर्गोफिट सैडल मिलेगा। अगर आप ST20 या ये सब साइकिल्स देखते हो ना तो उसमें स्पोर्टी डिज़ाइन तो है बट कम्फर्ट नहीं है, बट इसमें आपको स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ कम्फर्ट भी मिलता है। जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए साइकिल तो आपको एज सच कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने वाला है चलाते टाइम। सिटिंग पोस्चर बढ़िया है साइकिल का, मैं आगे आपको एक बार छोटी सी चलाने की भी क्लिप मेरी ऐड कर दूंगा, कृष्णा आपको बताएंगे इसके डिटेल में एक बार स्पेसिफिकेशंस। हेलो गाइस, मैं आपको अभी रिसेंटली लाइक ये जो न्यू कलर है रिवरसाइड 500 का डिकैथलॉन ने लॉन्च करी है, थोड़ा टाइम हो चुका है, सो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आप किस तरह के यूज़र हैं, आपको कैसा बाइक ये बाइक सूट करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली ये साइकिल हाइब्रिड सेगमेंट में आता है एंड अगर इनके साथ आपको टूरिंग करना हो या लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो 50-100 किलोमीटर वीकेंड्स पे, या फिर आपको BRM करनी हो कि 200, 300, 400 या 600 जो भी करने हैं आप इजीली इससे कर सकते हैं विद इन द टाइम। सो स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग में। सो ओवरऑल अगर फ्रेम की बात करें तो इसमें ओवरऑल जो कर्व रहता है इस फ्रेम में, सो ये आपको कम्फर्ट प्रोवाइड कराएगा, यूनिसेक्स मॉडल आएगा। एंड सीट पोस्ट की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिकेशन में सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो सीट पोस्ट है यहाँ पे ये जो है ये सस्पेंशन है, सो मैं लॉक करके एक बार बता देता हूँ। देन अगर आप बैठ के ये चीज़ें किसी भी टेरेन में चला रहे हैं, थोड़ा बहुत पैची रोड आता है या ख़राब रोड आता है तो आपको जर्क्स नहीं लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ST120 में भी सीट में सस्पेंशन नहीं है। नहीं, ST120 में नहीं आता एंड सिर्फ ये रिवरसाइड 500 में आता है। अगर आप डिकैथलॉन की बात करें तो एक ही साइकिल है जिसमें सीट पोस्ट में सस्पेंशन, मुझे भी पता नहीं था, काफ़ी यूनिक फीचर है, मतलब जो भी एकदम जर्क्स आएंगे वो बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। या सो ये स्पीड के साथ साथ आपको कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एंड ऑलरेडी अगर मैं आगे की बात करूँ तो इसमें 63mm का ट्रेवल का आपको सस्पेंशन मिल जाता है। एंड अगेन इसमें भी जैसा कि सस्पेंशन मैंने पहले बताया था 5 ईयर्स की वारंटी इसमें भी रहेगी। एंड व्हील्स जैसा कि शिवराज ने बता दिया कि इसमें 28 इंच व्हील आते हैं, सो किसी भी हाइब्रिड रोड बाइक में आप देखोगे तो 28 इंच के ही व्हील आते हैं। इनमें टायर का जो विथ होता है वो अलग अलग हो सकता है, लाइक इसमें अभी जो फिट है ये 37mm का है, इसमें आप 42, 38mm या फिर 32, 35mm व्हील्स भी लगा सकते हैं, सो इजिली फिट हो जाएगा। डबल लेयर रिम आएगा इसमें भी, डिस्क ब्रेक के व्हील्स आते हैं इसके। सो ये जो डिस्क ब्रेक है इसमें ये टैक्ट्रो का डिस्क ब्रेक है, फ्रंट एंड रियर इसमें टैक्ट्रो का डिस्क ब्रेक आता है। एंड अगर लीवर्स पे आते हैं तो ये जो लीवर है ये मेटालिक लीवर है, एल्युमिनियम अलॉय का है, सो अगर आप कभी गिरते हैं सो ये इजीली टूटेगा नहीं, अगर ये टेढ़ा होता है तो इसे आप सीधा कर सकते हैं। सो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। हैंड ग्रिप में अगर बात करें तो ये पाम सपोर्ट वाला हैंड ग्रिप दिया हुआ रहता है, सो आप अगर जब भी लंबा जाते हैं मीन्स
1500 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपको हाथों में नंबरेस नहीं आएगा। बात करते हैं गियर की, तो इसमें गियर मिलेगा आपको माइक्रोशिफ्ट का 1/9 स्पीड का गियर आता है। सो फ्रंट में अगर आप चैनिंग की बात करें तो चैनिंग रहेगा 36 टीथ का चैनिंग आता है इसमें फ्रंट में, जो कि सिंगल रहेगा। एंड यहाँ पे एक चैन स्टॉपर लगा रहता है जो कि चैन को नीचे गिरने से रोकता है। पीछे आ जाते हैं, रियर साइड में आपको 9 स्पीड का कैसेट मिलेगा एंड अगेन इसमें 11 टीथ का जो स्मॉलेस्ट कॉग होता है वो 11 टीथ का होता है एंड जो बिगेस्ट कॉग रहेगा वो 36 टीथ का रहेगा। सो अगर आप ऑन रोड की बात करें तो नॉर्मली जो क्लाइम्स आते हैं या छोटे मोटे स्टीप क्लाइम्स हैं उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर रिव्यूज देखें, जैसे इसका आप मडगार्ड भी देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है मडगार्ड। सिर्फ यही साइकिल है रिवर साइड 500 एंड 900 जिसके लिए ये स्पेसिफिक मडगार्ड्स आते हैं फुली कवर्ड, लगते हैं मेटल वाले बट है फाइबर। हाँ फाइबर है एंड लाइट वेट है जिससे कि इसका वेट नहीं बढ़ता। एंड ओवरऑल इसका अगर बात करें एल साइज है तो ये 13.5 kg to 14 के अंदर ही लाइट लग रही है, देख सकते हैं आप। मैं उठाने में मतलब बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आ रहा है, बहुत ही लाइट वेट। एंड अगर साइजिंग की बात करें, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि हमें कौन सा साइज लेना चाहिए, तो अगर जैसे ये एल साइज है तो एल साइज उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनका 5'11" प्लस हाइट है या 6 feet से ज़्यादा हाइट है, तो उनके लिए एल अच्छा रहेगा। इनका हाइट 5'8" के आसपास से लेके 6 feet के अंदर है उनके लिए मीडियम आएगा एंड 5'8" से भी बिलो अगर हाइट ज़्यादा है तो उनके लिए स्मॉल साइज देना चाहिए। सो स्पेसिफिक अगर आप ये साइकिल आपने एक बार अगर बाय कर लिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा एंड आपको ऑफ रोड को छोड़ के कोई भी टर्न में, लाइक आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, सिटी रोड में चलाना है, कम्यूट करना है एंड लाइक BRM जो हर एक सिटीज में होते हैं, BRMs करनी है तो आप इजीली साइकिल से कर सकते हैं। एंड आपको अगर K2K करना है, टूरिंग करना है, सो इसमें आपको फ्रंट पैनियर लगाने के लिए ऑप्शंस रहेंगे, रियर पैनियर लगाने के लिए भी ऑप्शंस आता है, तो आप आराम से इस साइकिल के साथ में टूर भी किया जा सकता है। प्लस स्मूथ रोड्स के लिए बनाओ तो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, जिसे भी डेली ज़्यादा कम्यूट करना रहता है। जैसे मतलब बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार हम 200 किलोमीटर भी राइड कर सकते हैं या, तो मतलब ये बहुत ही कम्फर्टेबल रहने वाली है। बिल्कुल, अब अगर 200 किलोमीटर जिनको राइड करनी है एंड उन्होंने अगर MTB ले ली तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। 200 किलोमीटर एक एंड्योरेंस साइकिलिंग में आ जाता है, आपको या तो रोड बाइक होना चाहिए आपके पास या फिर हाइब्रिड साइकिल, मेनली हाइब्रिड साइकिल है, तो फ्रंट सस्पेंशन के कारण कहीं ना कहीं स्पीड कम होती है क्या, ऐसा मुझे मतलब बहुत लोगों ने बताया। स्पीड अगर जैसे लाइक ये हाइब्रिड साइकिल है एंड इसमें सस्पेंशन भी है, तो अब ऐसी साइकिल जिस पे सस्पेंशन नहीं, लाइक रोड बाइक में सस्पेंशन नहीं आता, तो उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगा। अब रोड बाइक स्पेसिफिक स्पीड के लिए रहता है, सो हाइब्रिड एक ऐसा साइकिल है जिसमें आपको स्पीड भी मिलेगा एंड बट रोड बाइक इतना नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कंफर्ट भी मिलेगा। रोड बाइक में क्या होता है, आपको 30 degree पोस्चर में चलाना रहता है एंड स्पीड रहती है, सो बेसिकली हाइब्रिड साइकिल उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, जिनको स्पीड के साथ साथ कंफर्ट चाहिए उनके लिए ही ये साइकिल बेस्ट रहने वाला है। सो गाइस ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी है, कृष्णा का भी इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यार देखो, डेकैथलॉन की साइकिल्स या और कौन सी भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए तो यार बेझिझक कमेंट में बता देना, हम एक डिटेल वीडियो उस पर कवर कर लेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल जाए।